Hello and welcome to Ashish Malik IAS Academy. Today's topic of our discussion for PT pointers for polity is lapsing of bills. We will understand all the constitutional provisions regarding the passing of the bills, regarding the introduction of the bills, as well as we will understand in what cases, in what situations a bill get lapsed. Before moving further, if you want to subscribe on an Academy Plus, you can use the referral code AshishMalik10 to avail a 10% discount on the subscription fee. And also, you can follow us on social media platforms like Telegram and Instagram. Subscribe to our channel to get more updates of our latest series to boost up your UPSC preparation, like PT Pointers for Economy, PT Pointers for Polity, Rapid Current Affairs, UPSC Talks with Ashish Malik sir, and much more. Myself, Arnab, faculty for PT Pointers for Economy, PT Pointers for Polity, and Rapid Current Affairs. Before understanding the cases, before understanding the situations, let us look into the constitutional provisions related to this introduction and passing of bills. Article 107 mein introduction and passing of bill mentioned hai. Bill kaise introduce hoga, bill kaise pass hoga, ye mentioned hai under Article 107. Now let us understand the cases, the situations where a bill get lapsed if Lok Sabha get dissolved. Agar Lok Sabha dissolve kar jata hai, then kis kis situations pe ye bill lapse kar sakte hain. First of all, if any bill originated in Lok Sabha, Lok Sabha mein originate hua, lekin Lok Sabha abhi tak pass nahi hua, bas originate hua hai. किसी ने बिल को ओरिजिनेट किया है लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ. बिल इज पेंडिंग इन लोकसभा लेकिन इसके बीच लोकसभा डिसॉल्व कर जाता है, तब ये बिल लैप्स कर जाएगा. इन दिस सिचुएशन दिस बिल विल गेट लैप्स. सेकंड इज इफ एनी बिल इज ओरिजिनेटेड एंड पास्ड इन लोकसभा. एक बिल लोकसभा में ओरिजिनेट हो रहा है और लोकसभा में पास्ड भी हो गया है, लोकसभा पास भी कर चुका है उस बिल को, लेकिन राज्यसभा में अभी तक पास नहीं हुआ है, राज्यसभा में अभी पेंडिंग है, पेंडिंग इन राज्यसभा, लेकिन इस बीच लोकसभा डिसॉल्व कर जाता है, लोकसभा जो है वो डिसॉल्व कर जाता है, इस केस में भी जो बिल है वो लैप्स कर जाएगा. तो अब तक दो सिचुएशंस देखे, लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ लेकिन लोकसभा में पेंडिंग है तब भी बिल लैप्स कर जाएगा. लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ, लोकसभा में पास हुआ लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है, इस बीच लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है तब भी ये बिल लैप्स कर जाएगा. एंड द थर्ड, ओरिजिनेटेड एंड पास्ड इन राज्यसभा बट पेंडिंग इन लोकसभा. राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ, पास भी हो गया लेकिन लोकसभा में अभी भी पेंडिंग है, इस दौरान लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है, लोकसभा डिसॉल्व कर जाता है, इस केस में भी जो बिल है वो लैप्स कर जाएगा. राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ, पास हुआ, लोकसभा में अभी बचा हुआ है, पेंडिंग है, पास अभी तक हुआ नहीं है, इस दौरान लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है, ये जो बिल राज्यसभा इंट्रोड्यूस किया था वो बिल भी लैप्स कर जाएगा. एंड द फोर्थ इज ए बिल ओरिजिनेटेड इन राज्यसभा. राज्यसभा में ओरिजिनेट होता है फिर पास भी हो जाता है फिर लोकसभा में भेजा जाता है. लोकसभा क्या करता है, उस बिल को कुछ चेंजेस के साथ राज्यसभा को रिटर्न कर देता है. लोकसभा बोलते हैं ये बिल में ये चेंजेस होना चाहिए और फिर राज्यसभा को रिटर्न कर देता है. और अगर राज्यसभा में ये पेंडिंग है और इस दौरान लोकसभा डिसॉल्व कर जाता है, उस केस में भी ये बिल जो है लैप्स कर जाएगा. राज्यसभा में ओरिजिनेट किया, लोकसभा में वापस भेजा, लेकिन अभी भी फिर राज्यसभा को पास करना होगा,
राज्यसभा में अभी भी पेंडिंग है, इस दौरान लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है और ये बिल जो है ये बिल लैप्स कर जाएगा. सो दीज आर द फोर केसेस, दीज आर द फोर सिचुएशंस वेयर ए बिल गेट लैप्स्ड. लोकसभा में ओरिजिनेट होता है, लोकसभा में पेंडिंग है, पास नहीं हुआ है, इस दौरान लोकसभा डिसॉल्व कर गया, बिल लैप्स. लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ, लोकसभा में पास भी हुआ, लेकिन राज्यसभा में अभी भी पेंडिंग है, इस दौरान लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है, द बिल लैप्स्ड. राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ, पास भी हुआ, लेकिन लोकसभा में पेंडिंग है, इस दौरान लोकसभा डिसॉल्व कर जाता है, द बिल गेट लैप्स्ड. राज्यसभा में ओरिजिनेट होता है, राज्यसभा लोकसभा को भेजता है, लोकसभा उस बिल में कुछ चेंजेस लाते हैं, फिर राज्यसभा को रिटर्न करते हैं, और इस दौरान लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है. मतलब राज्यसभा में अभी पेंडिंग है, जो चेंजेस लाए हैं बिल में उस चेंजेस को पास करने के लिए राज्यसभा में अभी भी पेंडिंग है, इस दौरान लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है, ये बिल भी लैप्स हो जाएगा. तो दीज आर द फोर केसेस वेयर अ बिल गेट लैप्स्ड. और कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे ये बिल लैप्स नहीं होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा कोई बिल राज्यसभा में पेंडिंग है, साथ ही साथ लोकसभा में भी पास नहीं हुआ है, ना तो राज्यसभा में पास हुआ है ना ही लोकसभा में पास हुआ है, ये ऐसा बिल लैप्स नहीं करेगा. एंड द सेकेंड इज, इफ द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड द होल्डिंग ऑफ ए जॉइंट सिटिंग बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा. अगर कोई बिल किसी भी हाउस में पास नहीं होता है, सपोज कोई बिल है जो लोकसभा में तो पास हो गया है लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ है, उस बिल के लिए एक जॉइंट सिटिंग बैठाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 108. इसको नोटिफाई करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सपोज ऐसा ही कोई बिल है, लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में पास नहीं हुआ है, या फिर राज्यसभा में पास हो चुका है, लोकसभा में पास नहीं हुआ है, दोनों में से कोई भी सिचुएशंस हो सकते हैं. तो इस बिल के लिए प्रेसिडेंट ने एक नोटिफिकेशन भेजा बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा. लोकसभा डिसॉल्व होने से पहले ही प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग का नोटिफिकेशन भेज चुका हो, उस केस में ये जो बिल है लैप्स नहीं करेगा. मतलब जब नया लोकसभा फॉर्म होगा, उस नया लोकसभा उस जॉइंट सिटिंग में बैठेगा, उस बिल को जॉइंट सिटिंग से नया लोकसभा डिसाइड करेगा पास किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा. इस केस में बिल लैप्स नहीं करता है. प्रेसिडेंट अगर जॉइंट सिटिंग का नोटिफिकेशन भेज देता है बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. एंड द थर्ड इज, इफ ए बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, दोनों हाउस में कोई बिल अगर पास हो जाता है लेकिन दिस बिल इज पेंडिंग फॉर द प्रेसिडेंशियल असेंट. प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए बिल पेंडिंग है लेकिन दोनों ही हाउस ये बिल को पास कर देते हैं, इस दौरान अगर लोकसभा डिसॉल्व कर जाता है ये बिल लैप्स नहीं करेगा, दिस बिल विल नॉट गेट लैप्स. दोनों ही हाउस ने पास कर दिया लेकिन बस प्रेसिडेंट का असेंट बाकी है. एंड द लास्ट केस इज, ए बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, एक बिल को दोनों ही हाउस पास कर देते हैं और भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास फॉर हिज असेंट. प्रेसिडेंट का असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ने क्या किया, उस बिल को रिटर्न कर दिया टू द हाउसेस फॉर रिकंसिडरेशन. रिकंसिडरेशन के लिए उस बिल को हाउसेस के पास फिर से रिटर्न कर दिया अंडर द सस्पेंसिव वेटो पावर. इस पावर को यूज करके प्रेसिडेंट ने उस बिल को हाउसेस के पास वापस लौटा दिया, लेकिन इस दौरान अगर लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है, लोकसभा का डिसॉल्व हो जाता है, देन दिस बिल विल नॉट गेट लैप्स. ये बिल लैप्स नहीं करेगा क्योंकि पुराना लोकसभा ऑलरेडी पास कर दिया था और प्रेसिडेंट नया लोकसभा के पास इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहा है. इन दिस केस this bill will not get lapsed. So these are the four situations where a bill
does not get lapsed even though there is a dissolution of Lok Sabha. Lok Sabha dissolve hone ke bawajood bhi ye bill lapse nahi karenge. These are the four provisions, these are the four cases where this bill does not get lapsed. Now let us do some mock questions. Joint sitting of the parliament is mentioned under which article? Option A, Article 100. Option B, Article 108. Option C, Article 111. And option D, Article 110. You can pause the video and write your answer in the comment section. So the correct option is option B, Article 108. Joint sitting of the parliament is mentioned under Article 108. I hope you like the lecture. In the next lecture, we will discuss about the promotion of Hindi language. Till then, stay safe, stay at your home. Don't forget to subscribe the channel, like the video and share the video. Every day, 6 p.m., stay tuned for a new update. Thank you. Jai Hind.